मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम गोपेश्वर से देहरादून जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे मार्केट 10-11 बजे खुलता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है गाइस। आज हम धारी देवी भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये है गोपेश्वर का, गोपीनाथ मंदिर का मेन गेट और गोपेश्वर का बस अड्डा। जब भी आओगे गोपीनाथ भगवान के दर्शन करके जरूर जाइए। गाइस हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। गाइस हमें ये दो डॉगी के बच्चे मिले जो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे घूम घूम के खेल रहे हैं इनके साथ। मंदिर की तरफ जा नहीं रहे, इनके साथ खेल रहे। गाइस ये देख सकते हो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। हम मेन गेट पर नहीं गए गाइस ऊपर, क्योंकि हमें टाइम लग जाता। हमने नीचे ही गाड़ी लाई, यहाँ मंदिर तक आती है गाड़ी। कच्ची रोड है, आप देख सकते हो नदी के बीच माता रानी का मंदिर है। आजकल पानी कम किया है, यहाँ पे डैम से रोका गया होगा पानी, नहीं तो पानी फुल रहता है। हम मेन गेट से अंदर चले गए गाइस, यहाँ पूजा हो रही है। दर्शन करने वालों के अलग लाइन है, जो पूजा करवाना चाहता है वो बैठे हैं। गाइस यहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग। पीतल के प्रियंका। गाइस हम हैं धारी देवी के मंदिर में, दर्शन करके आ गए हैं माता रानी के। हम सभी ने दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। बच्चे सफर का पूरा एंजॉय ले रहे हैं, देख सकते हो ध्रुव गाना गा रहा है, आज ध्रुव ढोलक बजा रहा है। ध्रुव को गाने की बहुत शौक है, डांस की बहुत शौक है, ये गवाली गाने की कोशिश कर रहा है। चलो स्टार्ट। मेरी
गाइज हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। आप देख सकते हो एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, एक तरफ से भागीरथी, ये दोनों का संगम है यहाँ पे। जो तेज बहाव है वो भागीरथी का है, जो धीमे बहाव है वो अलकनंदा नदी आ रही है। ये मेरा बड़ा भाई है, बहुत स्पीड में चल रहा है।